हनुमानगढ़ से है, जहां किशनगढ़ मेगा हाईवे को रिकारपेट और ऑटोल मुक्त करवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि किशनगढ़ मेगा हाईवे हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक पूर्णतः टूट चुका है। सड़क में जगह जगह बड़े बड़े खड्डे होने की वजह से निरंतर हादसे हो रहे हैं और मानव क्षति हो रही है। इस टूटे हुए हाईवे का टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है, जबकि नियमानुसार निर्माण के 8 वर्ष बाद सड़क रिकारपेट करना अनिवार्य होता है। ज्ञापन में मांग की गई कि अतिशीघ्र किशनगढ़ मेगा हाईवे को रिकारपेट करवाकर आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य करें, साथ ही जब तक सड़क रिकारपेट नहीं होती है तब तक इस हाईवे को टोल मुक्त किया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जल्द ही टोल बूथों पर कब्जा कर टोल टैक्स मुक्त करवाने का कदम उठाएगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला महामंत्री जुगल किशोर गढ़, पार्षद बलराज सिंह दानवेलिया, जिला मीडिया प्रभारी दीपक खातिया आदि मौजूद रहे। देखिए, मुख्य रूप से जो मुख्य मांग है वो तो ये है कि जो रीट की परीक्षा हुई है उसमें लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है और इसमें किसी एक आदमी के कहने से नहीं, पूरे राजस्थान में ये मैसेज जा रहा है कि इसमें धांधली हुई है, इसलिए इसकी कम से कम CBI से जांच होनी चाहिए जिससे कि युवाओं को न्याय मिल सके। दूसरा मुद्दा है वो है रेड कोर का। अब पूरा कानून तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि 8 साल के बाद में उनको दोबारा बनानी चाहिए। उसको सड़क वो टूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, तो ये रेड कोर से कह करके इसका दोबारा निर्माण कराना चाहिए। 12,000 पौधे भी लग रहे थे डॉक्टर साहब पीड़ी बंगा सूरतगढ़ पर, वो भी नहीं लगे, क्या कहेंगे इस पर? ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पर्यावरण के लिए जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए ये चीज़ें तो एडवांस में होनी चाहिए, जब काम शुरू हुआ उसी टाइम से होना चाहिए, उनकी देख रेख होनी चाहिए। तो सब एक रीट को राज्य सरकार नए सिरे से वापस से घोषित करके 62,000 पदों में लेकर कल जो घोषणा की है उसको लेकर क्या कहेंगे राज्य सरकार? घोषणा तो अभी घोषणा है, हमारी मांग ये है कि CBI से जांच होनी चाहिए इसकी। और सर, Level 1 की जो रद्द नहीं की है, क्या उसका पेपर लीक नहीं माना है? जाँच होगी जब CBI के घेरे में तो सारा कुछ ही आएगा ना, कोई टुकड़ों से जाँच नहीं हो सकती। सरकार कह रही है SOG से जाँच करवाई है तभी पेपर लीक का मालूम हुआ है, ये तो सरकार का काम है। सरकार सो रही थी क्या पहले? सरकार को ध्यान रखना चाहिए, इतना बड़ा, इतना पूरा राजस्थान का युवा इससे जुड़ा हुआ है इस बात से, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सर, राजस्थान में कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक की बातें सामने आ रही है, जहां एक और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हुआ बना हुआ है सरकार के अंदर, उसको लेकर इस तरह की धांधलेबाजी काफ़ी महीने बाद में खुलना, युवाओं के साथ इस तरह का अपमान? युवाओं के साथ में तो छलावा हुआ ही है, सरकार की आक्रमणता को भी ये उजागर करता है कि इतने लंबे टाइम के बाद में उनको अकल आई है, SOG तक गए हैं, SOG से आगे क्यों CBI की जांच को CBI करती क्या? इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता राजस्थान के युवा के लिए।